तो मनोज भाई, वीडियो जो शूट करते हैं उसके बाद उसे आपको जो है एडिट करने में कितना टाइम लग जाता? तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मनोज दे का जो है मैं बिहाइंड द सीन शूट कर रहा हूँ। देख सकते हैं कि वीडियो शूट करने वाला अभी जस्ट देखिए कैमरा सेट कर रहे हैं वो। देख सकते हैं माइक भी अपना सेट करे, बोया का माइक। बाल सेट कर रहे हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं। घर पे तो कैसे भी रह जाते हैं, हाँ, वीडियो बनाने टाइम थोड़ा सा मनुष्य बनना पड़ता है। सही बात है दोस्तों। फाइनली आप देख सकते हैं मनोज दे का जो है अपना कैमरा सेट कर चुके हैं। चलो रेडी। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, वो रेडी हो चुके हैं वीडियो शूट करने के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत। तो दोस्तों, हमारे बीच एक जीता जागता उदाहरण आ चुका है कुछ ऐसा, जिससे कि आप लोगों को पता चलेगा कि सोशल मीडिया का अभी कितना ज्यादा क्रेज है, ट्रेंड है, और सोशल मीडिया का क्या पावर है। तो इसका एक जीता जागता उदाहरण, बहुत ही अच्छा उदाहरण आया है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। और ये जो है आप लोग को हो सकता है बहुत कोई पता भी है, पर मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे कि आप लोगों का, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा और जुनून बढ़ाने की और सोशल मीडिया का काम करने की। चाहे आप टिकटॉकर हो, यूट्यूबर हो, या फिर इंस्टाग्राम पे कोई इन्फ्लुएंसर हो, कुछ भी हो, तो इस वीडियो को देखो, मैं बताऊंगा कि सोशल मीडिया का अभी कितना ज्यादा पावर है और कोई इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। एक इंसान जमीन से आसमान भी छू सकता है, सोशल मीडिया का इतना ज्यादा पावर हो चुका है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कुछ स्टोरी बताऊंगा, तो वीडियो को देखते रहो एंड तक। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको आने वाले हर वीडियो की मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो। फ्रेंड्स, अभी मैं वीडियो शूट कर रहा था, जैसा कि देख रहे हो मेरा लाइट वेट सब लगा हुआ है, और ये अभिजीत है जो कि मेरे धनबाद से, इनका घर में ही ज्यादा दूर है नहीं, तो ये अभी आए हुए थे मेरे से मिलने के लिए। तो अभी मेरे सेटअप पे थे और मैं जस्ट अब वीडियो शूट करने वाला था तभी ये पहुंचे थे। तो इन्होंने कहा कि एक जो है बिहाइंड द सीन आपका शूट कर लेता हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इनको कमेंट पे जरूर बताना, और आप लोगों ने देख लिया कि मैं अपने वीडियोस को कैसे शूट करता हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है और आप नए हो चैनल पर, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा देना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो जो शूट हो चुका है। अब शूट होने के बाद गाइस जो है मनोज दे किस तरह से जो वीडियो को एडिट करते हैं, उनका जो लैपटॉप आप देख सकते हैं वो जो है इन्हीं पे जो है वीडियो को जो है एडिट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए मैं दिखाता हूँ कि मनोज दे किस तरह से जो अपने वीडियो को एडिट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मनोज दे अपना वीडियो को जो एडिट कर रहे हैं। स्वागत। तो दोस्तों, हमारे बीच एक जीता जागता उदाहरण आ चुका है कुछ ऐसा, जिससे कि आप लोगों को पता चलेगा कि सोशल मीडिया का अभी कितना ज्यादा क्रेज है, ट्रेंड है, और सोशल मीडिया का क्या पावर है। तो इसका एक जीता जागता उदाहरण, बहुत ही अच्छा उदाहरण आया है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। और ये जो है आप लोग को हो सकता है बहुत कोई पता भी है, पर मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे कि आप लोगों का, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा और जुनून बढ़ाने की और सोशल मीडिया पे काम करने की। चाहे इन्फ्लुएंस सोशल कोई इंसान से आ, तो वीडियो बहुत ज्यादा इन चैनल पर अगर आप नए होते हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले हुआ ये ताना का इतना ज्यादा वायरल, पहले उस सॉन्ग को प्ले करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे
तो मनोज भाई, वीडियो जो शूट करते हैं उसके बाद उसे आपको जो है एडिट करने में कितना टाइम लग जाता? एडिट करने में देखो ना तुम्हारे सामने 5 मिनट। 5 मिनट ना? बहुत किसे क्या होता कि एडिट करने में जो टाइम लग जाता। सुना वो सॉन्ग कितना अच्छा है, सुनने में मिलने वाली है। उन्होंने मैं भी कुछ ना कुछ सोशल मीडिया से ही, पहले ऐसा कोई कुछ था नहीं। ऐसे 2-3 साल पहले क्या होता था कि जरूर कर लेते। चलिए आज के इतना ही करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। 7.5 मिनट का वीडियो, 7.5 मिनट का वीडियो हो चुका है ना। शाम में अपलोड होगा ये, 4 बजे। शाम में 4 बजे ना? मतलब आप क्या करते हैं कि वीडियो मतलब एडिट वेडिट करने के बाद अपलोड करके उसके बाद डायरेक्ट अपलोड, पहले से वीडियो रहता है ना यूट्यूब पे, उसके बाद आप उसे सिर्फ 4 बजे पब्लिश कर देते हो ना। अभी इसका थंबनेल बनाना बाकी है। ओ, इसका भी थंबनेल बनाना बाकी है। अच्छा, जो ये वीडियो एडिटर यूज कर रही हो, कौन सा वीडियो एडिटर है? ये है फिल्मोरा। फिल्मोरा परचेस वाला है ना? और जो बिगनर यूट्यूबर रहता है, जो मतलब यूट्यूब में अभी मतलब ज्यादा सक्सेस नहीं कर पाए, उनके लिए कुछ वो फोन से कर सकता है, काइंड मास्टर ना, बेस्ट एडिटिंग। बेस्ट एडिटिंग आप भी तो पहले काइंड मास्टर से ही करते थे। 1.5 लाख सब्सक्राइबर काइन मास्टर से ही, काइन मास्टर से ही ना, उसके बाद से लिया था ना लैपटॉप। अच्छा, देख सकते हैं गाइस, ये जो है वीडियो एक्सपोज हो रहा है, जो टाइम लगता है एक्सपोज होने में। मनोज भाई, जो आप ये वीडियो शूट करते हैं, शूट करने के बाद इसे कितना MB का बनता है टोटली आपके DSLR के थ्रू? शूट करने के बाद बनता है 1.5-2 GB का। 1.5-2 GB का एक्सपोर्ट होने के बाद 4-5 MB। 4-5 MB ना? अच्छा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, वीडियो एडिट तो मनोज भाई जो है अपना लैपटॉप से कर लेते हैं, लेकिन जो थंबनेल जो देख सकते हैं वो अपने फोन पे ही करते हैं। जैसे कि आपको पहले ही वीडियो में मनोज देखे, आप चैनल पे जाओगे तो आपको जो पहले ही आपको बताया गया है वीडियो में कि किस तरह से जो थंबनेल फोन से ही बनाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, थंबनेल जो बना रहे हैं अपने फोन से ही बना रहे हैं। आपने देखे कि मनोज दे किस तरह से जो वीडियो शूट करता है वो आप देख सकते हैं। मनोज दे जो एकदम ही सिंपल ही रहते हैं गाइस, इनका जो बिहेवियर है गाइस बहुत ही अच्छा है गाइस। आप जो है बिलीव नहीं कर सकते हो कि इतना बड़ा जो यूट्यूबर बनने के बाद भी जो इनका बिहेवियर जो एकदम वैसा का वैसा ही है। जरा सा भी मतलब एक होता है ना कि बड़ा लेवल पे पहुंचने के बाद क्या होता है कि बहुत किसी का होता है कि थोड़ा सा घमंड टाइप का आ जाता है, लेकिन मनोज दे का जो है इस तरह का कुछ किसी भी तरह का जो है घमंड नहीं है गाइस। एकदम सिंपल रहते हैं, सबके साथ बिहेवियर बहुत ही अच्छा है गाइस। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज यार लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में गाइस बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। चलते हैं।